पिछले 3 सालों में 58 लाख रुपए का गौ माता के नाम दान दे चुके हैं। अपने हिंदुस्तानियों की सेवा के लिए ये मैंने कार्य किया है। क्या मन में आया, किस तरीके से? हम भाई राजीव दीक्षित और भगत सिंह के अंदर गुण थे, उनके भाव से हम प्रेरित हैं। ये भी चीज देखिए, हाँ। सिलेंडर का यूज क्यों नहीं कर रहे? ये आयुर्वेदिक तरीके से है, जैसे वैदिक तरीके से बनती थी जो सारी चीजें। पहले सिलेंडर की तेज आंच क्या करती है, वो पकाती नहीं है, वो जलाती है। उसी तरीके से इसमें हमने देखो कोयले की भट्टी पे बना रहे हैं, देसी घी यूज कर रहे हैं। फिर उसके साथ हमारी चौथी चीज होती है कि भाई हम शुद्ध छत्तीसगढ़ की खान इसमें डालते हैं, चीनी यूज नहीं करते। अब की बार कितना टारगेट? अब की बार हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 लाख से 20 लाख के बीच में दान दें। दो चीजें होंगी, गौ माता को आपको दान जाएगा, आपकी सेहत अच्छी होगी। ना लाभ ना हानि पे हमने ये सारा कार्य किया हुआ है। इस घेवर को यदि आप खरीदते हैं तो इसका पूरा का पूरा प्रॉफिट वो गौ माता के नाम होगा। पिछले 3 सालों में 58 लाख रुपए का गौ माता के नाम जो है दान दे चुके हैं। राकेश हमारे साथ है और बताना चाहूँगा सैदपुर अठगामा गौशाला के नज़दीक है और घेवर जो यहाँ बनाया गया है पिछले 3 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। सावन का महीना है, गौ माता के नाम पर यदि आप चाहते हैं कि हम दान दें तो आप सिर्फ घेवर यहाँ से खरीद करके लेके जाएँ। तो राकेश भाई, सबसे पहले दर्शकों का स्वागत। बिल्कुल, दर्शकों का दिल से हार्दिक की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और ये अपने हिंदुस्तानियों की सेवा के लिए ये मैंने कार्य किया है कि वो अच्छी मिठाई खाए त्योहारों पे, हमारी माताएं बहनें, और उसका उनका पैसों को अच्छे से हम दान कर पाए अच्छी जगह पे। कितने समय से कर रहे हैं राकेश? ये 3 साल से हम कर रहे हैं। क्या मन में आया, किस तरीके से काम करते हैं, कहाँ से प्रेरित है? हम भाई राजीव दीक्षित के विचारों से, उनके कार्य से, उनकी जो उनके अंदर गुण थे उनके भाव से हम प्रेरित है। और भगत सिंह जैसे क्रांतिवीरों को शहीद हुए, उन्होंने देश के लिए ही अपना सारा नौछावर कर दिया था, तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने ये इतना बड़ा कदम उठाया है कि भाई हम आज मानवता के लिए ये सेवा करेंगे और मिलावट के खिलाफ और शुद्ध चीज़ देके और एक अच्छा समाज में एक अच्छा संदेश भेजने का हम कार्य करेंगे। दूध कहाँ से इकट्ठा करते हैं, क्योंकि बाजार में तो बड़े मिलावट खोर हैं? दूध हम गौशाला से भी लेते हैं और आसपास के किसानों से भी लेते हैं। भैंस का भी इसमें होता है दूध और गाय का भी दूध हमारा इकट्ठा होता है। ऐसा नहीं कि भाई हम बोल दे सारा गौशाला से होता, नहीं, गौशाला में इतना दूध नहीं होता, लेकिन कोशिश रहती है कि गौशाला का जितना दूध होता है उसमें इनकम भी हो जाती है गौशाला की, और आसपास के जो किसान हैं भैंसों का दूध मिलता है वो भी इसमें हम शामिल कर लेते हैं। लेकिन ये कि मार्केट का बाहर का हम दूध नहीं लेके आते। तो 2021 से लेकर के आज 24 तक जो है आप 58,47,035 रुपये का जो है दान दे चुके हैं। ये हमने योगदान दिया है, इससे छोटे छोटे और भी बहुत योगदान है लेकिन वो हमने इसमें मेंशन नहीं किए, लेकिन जो बड़े बड़े ज़्यादा है गौशाला के और शिक्षा के और गुरुकुलों के वो हमने इसमें मेंशन। अब की बार कितना टारगेट है? अब की बार हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 लाख से 20 लाख के बीच में दान दें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी मिठाइयाँ खरीदेंगे तो हम ज़्यादा दान दे पाएंगे। देखिए, सभी डब्बों के ऊपर लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ दान दिया गया, हमारा प्रथम जो कर्तव्य है वो गौ माता को जाता है। और भाई जो है राजीव दीक्षित के विचारों से प्रेरित है और 2021 से ये काम करते हैं, और बड़ा ही शुद्ध जो हमने आपको दिखाया देसी घी के साथ ये घेवर तैयार किया जाता है। इसके अंदर क्या क्या वैरायटीज़ हैं? इसमें हम जो कोयले की भट्टी पे तैयार करते हैं, हाँ। देसी घी। मैंने ये भी चीज़ देखी, सिलेंडर का यूज़ क्यों नहीं कर रहे? नहीं, सिलेंडर में क्या होता है ना, एकदम तेज आँच आती है, हाँ। सिलेंडर की तेज आँच क्या करती है, वो पकाती नहीं है, वो जलाती है, तो जलाने की वजह से ना फिर वो चीज़ है ना अध कचरी हो जाती है। अध कचरी होने की वजह से ये सारी चीज़ है ना फिर खाने के बाद नुकसान करती है बहुत ज़्यादा, हाँ। तो पक्की हुई चीज आपने मेडिकली उसका सारा वो कर लिया? ये आयुर्वेदिक तरीके से है, जैसे वैदिक तरीके से बनती थी जो सारी चीजें पहले, उसी तरीके से इसमें हमने देखो कोयले की भट्टी पे बना रहे हैं, देसी घी यूज कर रहे हैं, साथ में बेसन और आटा इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं मैदे के साथ। अच्छा, मिक्स करते हैं, मैदा नहीं है, मैदा नहीं है, नुकसान पहुँचाता है। फिर उसके साथ हमारी चौथी चीज होती है कि भाई हम शुद्ध छत्तीसगढ़ की खान इसमें डालते हैं, हाँ, चीनी यूज नहीं करते। देखो बाजार में बड़े हजारों मिलावटखोर बैठे हैं। तो दोस्तों, आना कहाँ है, सैदपुर करखोदा के नज़दीक, और
यहाँ यदि आप आते हैं, नंबर दे देंगे, लोकेशन डाल देंगे, यदि आप आते हैं दो चीज़ें होंगी, गौ माता को आपको दान जाएगा, आपकी सेहत अच्छी होगी, तो और क्या 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 चीज़ें, कितने लोग हैं, कहाँ से इतनी बड़ी तैयारी करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा माल तैयार करना पड़ता है। बिल्कुल, ये हमारी शुरू की लागत में लग जाते हैं, 5 से 10 लाख रुपए हमारे खर्च में तैयारी करते हैं हर बार, नए साल में हम करते हैं, तो हमारे पास कम से कम 50 लोगों की टीम है जो काम करी, आसपास के हलवाई है, दूर के भी हलवाई है, MP के है, UP के है, तो अपने हरियाणा के भी है, आसपास के भी है कुछ, तो सभी सहयोग करके ये सारा कार्य करती है। हाँ बिल्कुल, आप आइए। तो देखिए, आपको गेहूँ भी जो है दिखाते हैं, बड़ी शुद्धता के साथ यहाँ तैयार किया जाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ तो हलवाई लगे हुए हैं, पीछे भी 10 से 20 हलवाई जो है अपना लगातार काम यहाँ करते हुए, शुद्ध देसी घी में इसको तैयार किया जाता है, और बड़े अच्छे तरीके से इसकी जो एक एक चीज़ है उसको यहाँ देखते हुए, यह आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो कमरा है वो यहाँ इस समय भरा हुआ है। गेहूँ आपको यहाँ आ कर के ले जाना होगा, क्योंकि ऑनलाइन की सुविधा जो है वो नहीं है, हर एक डब्बे के ऊपर वो चीज़ लिखी हुई है जो इन्होंने दान में दी है। जी जी बिल्कुल, हमारा ये एक ही हमारी संस्था है, हमारी एक ही दुकान है जी। तो जैसे वैसे काफ़ी भाई हैं जो ऐसे भाई राजीव दीक्षित का फोटो लगाते हैं, हमारी हमने सरकार से रजिस्टर नंबर ले रखा है, श्री राजीव दीक्षित ब्रह्मचारी गौ सेवा संस्था, इसमें हमने लिख भी रखा, उनका एक वाक्य था, मैं भारत को भारतीय की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, इस काम में लगा हुआ हूँ, अमर श्री राजीव दीक्षित जी। तो हमारा सारा देखो, इसमें हमने ना दान राशि सारी मेंशन की हुई है, देखो बिल्कुल ये मोटी मोटी है हमारी, इससे ज़्यादा भी हुआ हमारा, तो 1 जून 2024 से लेके हमने ऐसे ऐसे जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल गुरुकुलों में और गौशालाओं में हमने दान दिया है। श्री राजीव दीक्षित ब्रह्मचारी गौ सेवा है संस्था, और एक ही संस्था है भाई, किसी तरह के कोई किसी के बहकावे में ना आए, इनके डब्बे पर जो इन्होंने दान राशि दी है उसका एक एक पैसा यहाँ लिखा हुआ है, और यह है शैदपुर खरखोदा जिला सोनीपत हरियाणा, और भी हम आपको दिखाएंगे अठगामा जो गांव है वो यहाँ जुड़ते हैं। अच्छा जी, ये अठगाम गौशाला है, 8 गांवों की, तो इसमें हाँ बिल्कुल 8 गांवों के सहयोग से सारा कार्य किया जा रहा है, तो उन्हीं के साथ साथ मतलब समोसा भी तैयार करते हैं। हाँ बिल्कुल, समोसा भी देखो लगे हुए 5 लोग, तो समोसा 5 रुपये का हम देते हैं, सरसों के तेल में, और गुड़ की चटनी होती है उसमें हम सफ़ेद नमक, चीनी और मैदा भी, वो सॉरी मैदा बोल रहा मैं, चीनी, और इसमें हम रिफाइंड और डालडा यूज नहीं करते। ये चीज़ बड़ी पसंद आई राकेश, मतलब आपने कोयले का यूज़ किया है, वो कोयला देखो आप देखा सकते हो कट्टे पड़े हैं, ये देखो भाई ये कट्टे रखे हुए हैं, सिलेंडर आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा, कई बार हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें कई बार गैस की गंध भी जो है आ जाती है। बिल्कुल, तो आप देखो गैस में ये बिल्कुल धीमी धीमी आँच में पक रहे, देखो बिल्कुल। एक दिन की क्या राकेश कितनी लागत आ जाती है? कम से कम 7 से 8 क्विंटल 6 क्विंटल ऐसे लागत आ जाती है, देखो हमारा मावा निकल रहा है देखो। तो राकेश ऑनलाइन नहीं है, यदि ऑनलाइन होता तो शायद हाँ पूरा भी, अभी भी पूरा नहीं हो रहा, देखो आप देख रहे हो ये कितने लोग काम कर रहे हैं देखो गोदाम में। तो कब तक लगातार सेवाएं देते रहेंगे राकेश? ये जन्माष्टमी तक हमारी सेवा रहेगी, तो आप जितने जल्दी हो सके आप हमारे गेवर का एक बार सेवन करके खा के और अपना शरीर को भी और गौ माता को भी फायदा दे सकते हैं। भाई यदि आप गौ माता को दान देना चाहते हैं तो आपको खाना है, और ये गेहूँ जो आप बाज़ार से मिठाइयाँ लेकर के आते हैं, बाज़ार में बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं कि आपको दिखाते कुछ हो रहे हैं और वो बनाते कुछ हो रहे हैं, ये जो आपके सामने है दूध को यहाँ खोआ निकाला जाता है पूरी शुद्धता के साथ, आटा और मैदा मिक्स करके, और ये जो चीज़ है वो ये हमारा अपने ऊपर, तो ये मावा लगाया जा रहा है देखिए, तो ये हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मावा ज़्यादा से ज़्यादा लगे चक्कर में, और खाए तो मावे का ही टेस्ट आए, वो खांड का मीठा तैयार कर रहे हैं। ये खांड का मीठा है, ये खांड कहाँ से यूज़ करते हैं राकेश? छत्तीसगढ़ से हम खांड मंगाते हैं, देखो आप देख सकते हो काली है, तो खांड का रंग आपको पता है काला ही होता है, देखिए ये सारा, ये भी इधर भी दिखा सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, बहुत जो पारदर्शी होती बिल्कुल साफ दिखता चीनी में है, ये आप देखो गुड़ की तरह काला रंग है, तो नेचुरल रंग आपको पता है यही दे रखा है, गुड़ का रंग काला नहीं होता जी। तो अभी गुड़ देखिए दोस्तों, दुकानों पर जब आप जाते हैं तो आपको ये नहीं पता कौन क्या चीज़ बनाता है, यहाँ आप आइएगा पहले खाइएगा और उसके बाद देखिएगा आपकी आँखों के जो सामने है वो सारी चीज़ें तैयार होती हैं। और जी जी जी, तो राकेश कितना काम जो इसका हो चुका है और कितना और रहता है देखो,
ये हम सारा काम है ना पारदर्शी करते हैं, मतलब ये नहीं छू भाई कुछ आड़ में करते हैं, खुला हुआ है, कोई भी आके देख सकता गोदाम में, कोई भी आके कुछ भी चीज अपना पहचान सकता है। तो अभी इसके पीछे सारी जमीन गौशाला की ही है, आपको दिखा दूँ, आइए। तो ये देख सकते हैं राधा कृष्ण का ये मंदिर। और देखिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि गौ माता के नाम पर हम दान दें तो आपको करना क्या होगा, यहाँ से घेवर जो है वो लेना होगा। राकेश, किस तरीके से समझाएंगे लोगों को भाई जो थैले का दूध पीते हैं उसमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, आपसे दूध लें, गऊ बांधें, क्या करें लोग, क्योंकि बगैर दूध के तो सारी की विकास है ही नहीं। बिल्कुल, हमारा देश बिजनेसमैन का नहीं है और खेती हमेशा रहेगी, कृषि प्रधान देश है हमारा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि सब अपने घर में जिसके पास जगह है तो वो एक गऊ माता देसी बिल्कुल रखे, बहुत ज़रूरी है आने वाले जीवन के लिए। अगर आप नहीं रखोगे तो उसका भुगतान आपको हॉस्पिटल में देना पड़ेगा। तो आप देखो 40-50 हज़ार रुपये में देसी गऊ माता आ जाती है आज, आप उसकी आप सेवा भी कर रहे हो। मतलब बच्चे को चाहे कुछ ना मिले यदि पौष्टिक दूध मिलता है, दूध भी मिलेगा ना, तो उसमें भी बहुत फायदा मिलेगा। देखो अब किसान को भी आप देख सकते हो कितना पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी डालता है खेत में। यही किसानों से कई बार हम बातचीत करते हैं ना, तो अपने फायदे के लिए किसान भी पेस्टिसाइड ज्यादा यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मेरे मित्र है जैविक ग्रुप है एक हमारा सुदनदाता से, मैं उनसे जुड़ा, जैविक किसान है वो। मतलब उनकी जो एक सोच विचार है ना, मतलब जो शहीद हुए थे ना क्रांतिवीर, और वो बराबर है बिल्कुल। हाँ, उनको किसी भी प्रकार का लोभ ला। और देखो एक और अच्छी बात है, उनके जो गेहूं है चावल है कुछ भी हम उनसे प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, अच्छे दाम में हम खरीदते हैं, बहुत अच्छा दाम होता है उनका। अब ये लगाओ 5,000 रुपये क्विंटल गेहूं लिया मैं, अब की बार उन्होंने 5,000 क्विंटल गेहूं बेचा, शुद्ध बिल्कुल। तो देखो कहा 2,500 कहा 5,000, डबल रेट हो गया ना। तो ना उसमें कोई खा रहा ना कोई यूरिया कुछ भी नहीं, जो खा रहा तो उसको भी तो फायदा मिल रहा ना, आप देख रहे हो। तो यही तो सारी चीज होती है ना कि देखो सोच विचारों की बात होती है, कोई बड़ी बात नहीं होती। दोस्तों हम अपने खाने के लिए, रहने के लिए, जीवन यापन के लिए गाड़ियों में मोबाइल ये बहुत कुछ यूज करते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे सेफ रहेंगे? और भाइयों ने जो एक मुहिम चला रखी है इसको आप थोड़ा यदि गहराई से समझेंगे तो बहुत कुछ है इस मुहिम के अंदर। खाने का जो गेहर है वो गौ माता के दूध के साथ इसको तैयार किया गया, इस गेहर को यदि आप खाते हैं तो गौ माता को भी दान देगा, नो लॉस नो प्रॉफिट पे चल रहा है, ना लाभ ना हानि पे हमने ये सारा कार्य किया हुआ है। आप जैसे युवा तो चाहे कोई बिजनेस भी चला लें, लेकिन चलाने को तो हम अस्पुष्ट है ना, हम कोई नशा करते हैं ना कोई पता करते, तो वही चीज़ है ना। लेकिन हमारी बुद्धि ने काम किया, हमने सोचा कि कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करे, तो कुछ ना कुछ मैसेज समाज में भेजे, तो और वो मैसेज क्या पता किसी एक जवान को किस अच्छे रास्ते पे चला दे, क्या पता वो कभी प्रधानमंत्री बन जाए तो इस देश का और कुछ दृष्टि चेंज कर दे। तो यही विचारों से ही हमेशा परिवर्तन होता है, और जिसके अंदर अच्छे विचार होंगे तो वो देश के लिए भी सोचेगा, अपने समाज के लिए भी सोचेगा। अभी काम चल रहा है राकेश? नहीं, काम तो अभी चल रहा है, ये हमारी हॉस्पिटल है जहाँ पे पीड़ित आती है गौ माता, और ये टूड़े का है जो बिल्कुल पुराना होके गल गया है। अच्छा, अभी नया बनाएंगे? हाँ, तो अब की बार हमारा टारगेट है कि 15 लाख से ज्यादा ऊपर हम दान करें। ओके। तो कोशिश है, तो यही प्रार्थना मैं कर सकता हूँ अपने हिंदुस्तानी माताएं बहनों से कि अगर आपको मिठाई लेनी है तो आप एक बार हमारी खा के देखे, चलो खरीदे नहीं पहले खा के देखे, अच्छी लगे तो ले लेना, मर या मत लेना फिर। भाई पहले आए, पहले खाएं और फिर जो है आप खरीदारी करें गेहूं की। और देखिए दोस्तों, दुकानदारों में आपको बार बार यही बात कहता हूँ कि मार्केट में जहर बिकता है, आप उससे बचें, आप गौ माता के पास आए। सहदपुर खरखोदा के नज़दीक है और अठगामा ये गौशाला है, और यहाँ यदि आप पहुँचते हैं तो आपको गेहूं का जो टेस्ट है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग मिलेगा। आपसे अनुरोध है यदि आप सोनीपत रोहतक दिल्ली के नज़दीक है तो खरखोता के नज़दीक सैदपुर गांव है और आठकामा ये गौशाला है, नीचे नंबर दिया हुआ है, लोकेशन भी जो है हम आपको डाल देंगे, और आप यहां आइएगा और गेवर का मज़ा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।